ऑटो एक्सट्रीम पे स्वागत है दोस्तों। स्विफ्ट पेट्रोल 2019 का मॉडल है, वैसे आफ्टर मार्केट सीएनजी लगा हुआ है, सिक्वेंशियल किट। अभी स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं उसका आरपीएम का सुई, आरपीएम फ्लक्चुएशन हो रहा है दोस्तों। हल्का सा ऊपर उठ रहा है, फिर जाके नीचे आ रहा है। और दोस्तों पूरा इंजन मिसिंग चल रहा है, वैसे मैं आपको आगे जाके भी दिखाता हूँ। वैसे एक्सेलेरेटर देने पे कंप्लीट लग रहा है, लेकिन पूरा मैं इंजन आपको दिखाता हूँ, पूरा वाइब्रेशन हो रहा है और मिसिंग चल रहा है। अभी यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं वाइब्रेशन है दोस्तों, मिसिंग है, इम्प्रॉपर चल रहा है वैसे। अभी दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। वैसे हम डायरेक्ट ओबीडी से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास नहीं है स्कैनर या ओबीडी कुछ, तो इग्निशन कोयल वाला सॉकेट एक करके एक पर के निकल के एक एक आप चेक कर सकते हैं। यदि मिसिंग ज़्यादा रहेगा तो कोयल प्लग चालू है, यदि कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो शायद कोयल या प्लग में दिक्कत है, या फिर वायरिंग सॉकेट भी चेक करना पड़ेगा। तो अभी मैं ओबीडी लगा के चेक करवाता हूँ आपको। ओबीडी कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं P0420 और P0303, मतलब एक ओटू सेंसर वाला है और दूसरा जो 3 नंबर का इग्निशन, मतलब 3 नंबर वाला जो हमारा सिलेंडर है उसमें मिस फायर है, उसका दिखा रहा है। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट दोस्तों हम 3 नंबर वाला जो इसका कॉयल है उसको ही खोलेंगे और देखते हैं। वैसे गूगल पे हमने चेक कर लिया है सिलेंडर 3 मिस फायर, आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 3 नंबर वाला निकालते हैं। यदि दोस्तों नहीं है तो आप उसका सॉकेट निकाल के भी चेक कर सकते हैं, इंजन वाइब्रेशन में कम या ज़्यादा कुछ होता है फ़र्क। यदि फ़र्क नहीं पड़ता है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, यदि फ़र्क लगे आपको तो वो कॉयल चालू है मतलब। तो अभी दोस्तों ये कॉयल निकाल के हम दूसरा उसका कॉयल डालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लीकेज हो गया है, बहुत पुराना कॉयल है, एकदम फट चुका है, यहाँ पे क्रैक देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम उसका दूसरा इग्निशन कॉयल डालेंगे और साथ में दोस्तों सभी कॉयल चेक करेंगे और उसका स्पार्क प्लग भी देख लेना है, ध्यान रहे। मेरे हिसाब से अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है गाड़ी का, कस्टमर ने बताया है, तो साथ में दोस्तों उसका स्पार्क प्लग भी चेंज कर लेना सही है। तो 4 प्लग डाल देंगे और अभी इग्निशन कॉयल अभी आप देख सकते हैं, तो इग्निशन कोयल डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आपको लगा के मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अभी दोस्तों इग्निशन कोयल लगा दिया है और अभी स्कैनर से मतलब उसका जो फॉल्ट कोड स्टोर है ईसीयू में, तो उसको क्लियर करेंगे एक बार और उसके बाद सेल्फ लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। कभी कभी दोस्तों क्लियर नहीं करना पड़ता है, अपने आप ही चेक लाइट चला जाता है, कभी कभी रहता है। यदि बैटरी टर्मिनल खोल के थोड़ी देर रखेंगे तो अपने आप ही शायद कभी कभी चला जाता है, कभी कभी स्कैनर के ऊपर उसको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। अभी पोर्ट कोड को क्लियर कर देंगे। वैसे उसमें P0420 मतलब ओटू सेंसर वाला था, वो मिस फायर की वजह से उसका एरर जनरेट होता है। अभी स्टार्ट कर लिया कंप्लीट और आप आरपीएम भी देख सकते हैं दोस्तों, फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्टेबल है। और इंजन का मैं आपको पूरा वो मिसिंग भी दिखाता हूँ, पहले जितना वाइब्रेशन था वो बिल्कुल नहीं है, कंप्लीट चला गया है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कंप्लीट चल रहा है, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।